नमस्कार दोस्तों, क्राइम डेरीज में स्वागत है आपका। अभी हम आपको बता दें कि साई समर्थ जो कंपनी है, जो ब्रिज बना रही है, पूरा ब्रिज से लेकर सिरज घाटी रोड पे जो ब्रिज बना रही है, उस ब्रिज पे हम मौजूद है। कुछ पीछे दिखाया कि सामने आप देख सकते हैं, उधर आगे में अपना पुराना जो ब्रिज है ब्रिज है बना हुआ है, और ये जो ब्रिज का काम जो है कुछ जो इनके जो कॉलम्स बने हुए हैं काम हमारे साथ इंजीनियर जी, क्या नाम सर आपका? सुशील पवार। सुशील पवार जी जुड़े हुए हैं आज, इनसे जानते हैं कि ये ब्रिज कब तक निर्माण होगा और जो ब्रिज चालू हुआ कब तक वो किस वजह से हुई। सर बताइए कि क्या बताइए आपकी ये ब्रिज कब तक शुरू होगा, कितना काम पड़ जाएगा? अगस्त तक हो जाएगा, अगस्त मंथ तक हो जाएगा। सर इसमें कितने पिलर है जो बोलते हैं? नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये पुल निर्माण हो रहा है। सर टेम्परेरी पाइल से हम जो हमारा काम चालू रहेगा, मतलब जो हमारा कास्टिंग है वो टेम्परेरी पाइल से हम स्टेज करके बॉक्स के ऊपर बना रहे हैं। और अभी कितना काम बाकी है? सर अभी काम बाकी है 250 मीटर का। 250 मीटर में से वॉल 150 मीटर हो गए, एक स्लैब खाली 150 मीटर बाकी है। ये अभी अपन एक ही लेंथ पे है ना? हाँ, सेकंड लेंथ का काम अपना। हाँ, सेकंड लेंथ का ये टोटली कितना मीटर आता है? 750 मीटर। और अपना जो पुराना ब्रिज था वो बड़ा है ना? जो जो पुराना जो ब्रिज है जो छोटा है, इससे छोटा है वो कितने मीटर का है? डेढ़ सौ मीटर का काम जो है बाकी है, और एक लाइन जो है यानी 6 लाइन वाला रोड रहेगा कि 2 लाइन वाला? 6 लाइन में जो यहाँ जो एक साइड से जो 3 जाती है, दूसरे साइड से 3 आती है, वैसे 3 वे रोड होता है, तो उसमें से जो 3 रो का रोड है उसे अगस्त तक निर्माण करने की बात कही जा रही है। यानी जो लोगों को अभी भंडारा वासियों को, भंडारा जिला वासियों को जो ट्रैफिक से जो तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, ये बड़ी एक दुखदीय घटना है कि जिसके कारण अभी इन लोग जो साई समर्थ जो जल्द से जल्द काम करके ये जो है एक लाइन का जो रोड है जो ब्रिज पे से वो शुरू करने का अगस्त के एंड तक कह रहे हैं, अगस्त के अंदर ये एंड तक के काम शुरू करने की बात बताई जा रही है। आपको हम पूरा दृश्य बता रहे हैं कि ये जो सामने आप पहाड़ी देख रहे हैं ये कोरम्बी की पहाड़ी है, और ये कोरम्बी की पहाड़ी से लग कर जो ये ब्रिज है वो सीधा अपना सिरज घाट होते हुए कारदा की तरफ जाएगा, और ये कारदा की तरफ जाके नेशनल हाईवे जो अपना 53 है वो 53 को जाके अटैच होगा। आपको बता दें कि सर ये कितने मीटर का जो रिंग रोड जो हाईवे से लेकर इधर तक आ रहे हैं? 15 किलोमीटर का जो ये रोड है जो अपना मुजबी के पास से जो डाइवर्ट होके जो आ रहा है, ये 15 किलोमीटर का रोड है जो अपना कारदा तक जा रहा है। ये जो बाईपास जो रोड अपना बनाया है ये 15 मीटर का रोड बताया जा रहा है, जिसमें 750 मीटर का ब्रिज, 700 मीटर का ब्रिज है, और जिसमें से 150 मीटर का सिर्फ काम बाकी है, जिसमें आप हम स्पॉट पे पहुंच के आपको बताया दिखाया दे रहे हैं के हिसाब से किस तरह से जो काम का जो है वो ऑन स्पॉट आपको दिखा रहे, ताकि आपको पता चले कि साई समर्थ जो कंपनी है किस तरह से काम कर रही है। और आपको एक ये भी बता दें कि साई समर्थ कंपनी ने इस ब्रिज को बनाने के लिए कुछ नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से काम किया है, ताकि बाढ़ जैसे आने कोई जो पानी की होती है नहा होता है धीरे रफ्तार होता है, तो उसमें ब्रिज को किसी तरह का नुकसान ना हो। और ऐसे ही खबरों के साथ में हमारे साथ में जुड़े रहते हैं, समझ रखा था हमेशा खबरों के साथ में हमेशा जुड़े रहता हूँ, ताकि आपको हर कंपनी शमशेर काम करें।